नमस्कार इंडिया टाइम, आपका स्वागत है बिकिनिज बलिया। बलिया में प्रधान द्वारा दबंगई के कारण ग्राम वासियों ने सामूहिक आत्महत्या करने के लिए जिला अधिकारी को दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में थाना सतावर अंतर्गत सिंगाई गांव में ग्राम वासियों ने प्रधान पर व्यापक स्तर पर धांधली करने का आरोप लगाया। ग्राम वासियों ने कहा कि ग्राम प्रधान द्वारा केंद्र व सरकार राज्य सरकार की योजनाओं लाभ गाँव में आया, लेकिन ग्राम स्तर के अधिकारी यानी ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव की नीली भगत के कारण किसी भी लाभार्थियों को लाभ नहीं मिला, जिससे ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के खिलाफ जमकर विरोध किया। ग्रामवासियों की माने तो लाभार्थियों का लाभ मृत करने के लिए ग्राम प्रधान के द्वारा तरह तरह के कारणों के साथ धन उगाही का कार्य किया जाता है। अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाली है? क्या बात है, क्या समस्या आपको है? ₹25,000 किस लिए आपने दिया प्रधान जी को पैसा? कितना आपको आया था पैसा? पूरा पैसा कितना मिला है आपको आवास में? 80,000। लेकिन आता तो 1,20,000 है, 40,000 कहाँ गया? पूछा नहीं आपने प्रधान से? इतना दिन तो उठा कोई नहीं है, तो क्या? अच्छा अच्छा, तो कोई फोटो खींचने आया था आपके यहाँ? फोटो खींचने के बाद ही पैसा आता है? फोटो एक बार, एक ही बार, उसके बाद नहीं। अधिकारी क्यों क्यों आए, क्या मामला है? हम लोग जिला अधिकारी के यहाँ ग्राम सभा सिंह से आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में बहुत ज़्यादा लूट खसोट हुआ है। हम लोग अब हर जगह CM के यहाँ से लेके DM के यहाँ तक दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, और हम लोगों का लास्ट स्टेप है। यदि DM साहब अब हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम लोग 23 तारीख को 200-300 की संख्या में आएंगे यहाँ से ग्राम सभा सिंह से, और आत्मदाह की अंतिम प्रक्रिया अब हम लोगों को करने का यही अब दिमाग में आ रहा है कि अब लास्ट प्रक्रिया यही है। अब इसी से जो है हम लोगों का काम होगा, या नहीं होगा तो हम लोग अपने आह लीला ख़त्म कर लेंगे, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। हम लोगों का अब यही लास्ट उपाय रह गया है। अब हम लोग दौड़ते दौड़ते लखनऊ से बलिया से लेके हर जगह थक गए हैं। पर्चे बताइए, क्या आपका नाम पड़ेगा? मानती देवी जी। कहाँ रहने वाली आप हैं जी? तो क्या मामला है यहाँ पे, इतने लोग जुटे हुए हैं? खाना का के आयल बा प्रधान जी मैंने कि फोन करके कहला बड़ा पुतुल से कि ये पुतुल तो पैसा मांग ले लिया। कैसा पैसा? खाना के तो हमने के मैंने कि 3 आदि 4 आदि गई बा तो हमने के 4 आली पर हमने के दिले बन जाओ उनका का पैसा। कितना दिए हैं? 6,000 के लिए दिए उनको। 6,000 रुपया कहा तारा की अपना बनाई बोलो की तने लग अपना खाती नहीं क्या आइला हमारे के अपना खाती। अच्छा, अपना हाथ बनाई? अपना हाथ बनाई। आपको आवास मिला है? ना कहा आवास मिला था थी? आवास नहीं मिला है? तो शौचालय में आपने खुद से मेहनत किया है कि कर्म जो लेबर आए थे? अभी तो बना ले नहीं। अच्छा अच्छा, 6,000 रुपये आप दे दिए हैं और आपको पैसा मिला शौचालय का पूरा? 6,000 मिला है। 6,000 ही मिला है और 6,000 दे चुकी हैं? अब दूसरा नहीं कर मिला। अच्छा अच्छा, क्या पर्चे है, कहाँ का रहने वाला, क्या है मामला? ग्राम सभा सिंह का निवासी हूँ। हम ग्राम प्रधान के पास फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दिए जब इस ग्राम में कोई वर्क नहीं हो रहा था। 4 साल हम देखते रहे, पेमेंट सारा उठता गया और कोई वर्क नहीं हुआ यहाँ पे। फिर हमने जब एप्लीकेशन देना चालू किया तो प्रधान जी ने वर्क चालू किया, फिर भी उसके हिसाब से मानक के हिसाब से वर्क नहीं हो रहा इस ग्राम सभा में, और जो भी काम हो रहा है थर्ड क्लास का हो रहा है। इसके खिलाफ हमने जब आवाज़ उठाया तो उन्होंने हमारे ऊपर थाना अध्यक्ष को दबाव देके हमारे ऊपर 116 का मुकदमा चलवाया। अभी के ऊपर खाली पूरे हमारे 20-25 लोगों के ऊपर चला है। थाना अध्यक्ष का नाम क्या था? थाना ओम प्रकाश पांडे जी। कौन से थाना? थाना सातवार से। और उसके बाद क्या? उसके बाद हमने BDO को एप्लीकेशन दिया, वो जांच के लिए आख्या लगा दिए कि हमने जांच कर लिया ग्राम सभा में, सब ठीक है, जो कि यहाँ जांच नहीं किए। उसके बाद हमने उप जिला मजिस्ट्रेट को दिया, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने DM को दिया, वहाँ से हमारा बड़ा नलपित खिंचवा लिया गया प्रधान के द्वारा पैसे दे के। हमने DM को भी थर्ड टाइम एप्लीकेशन दिया, अभी भी यहाँ पर कोई जाँच नहीं हो रहा है हमारे ग्राम सभा में।
और सारा काम यहाँ पे गलत हो रहा है। और टोटल जितने वर्क हुआ है इस ग्राम सभा में सारे वर्क का पेमेंट करा लिया गया है और आज तक एक भी काम नहीं हुआ। कैसे आपको मालूम चला था सारा पेमेंट हो चुके हैं पैसा? पास उसकी सूची है टोटल काम का, जितने इस ग्राम सभा में वर्क हुआ है हमारे पास उसकी सारी लिस्टें हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने लिस्ट निकलवा कर रखी है, इसमें टोटल पेमेंट हो गया है जितने भी वर्क है इस ग्राम से, और एक भी इसका कार्य धरातल पे नहीं है। कितना बजट पास हुआ है, कितने की क्या हुआ है? लमसम हमारे हिसाब से 2 से 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पे पास हुआ और यहाँ पे 50,000 रुपए का भी अभी तक काम नहीं हुआ है ग्राम सभा में। तो क्या हम ये माने कि यहाँ पे ग्राम प्रधान जो है कोई धरातल पे कार्य नहीं करवाते हैं? गांव को धमका रहे हैं और यहाँ से जान से मारने की भी धमकियाँ मिल रही हैं। हम इसके उपरोक्त में अपने कप्तान महोदय बलिया और थाना अध्यक्ष सातवार को एप्लीकेशन दिया। जान से मारने की धमकी मिली है आपको किस माध्यम से? फोन से, ईमेल से, किस माध्यम से मिली? नहीं, लोगों से कहा जा रहा है कि अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं इनके खिलाफ। तो ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? ये प्रधान जी के द्वारा कहा जा रहा है। प्रधान जी स्वयं कहा जा रहा है? हाँ जी। प्रधान जी का नाम क्या है? आशुतोष कुमार सिंह गुप्ता। जितने ग्राम सभा में हमारे शौचालय दिया गया है, अगर आप इतने क्या बोले थे प्रधान जी और प्रधान जी, हमारे ग्राम सभा में जितने शौचालय दिया गया है टोटल गरीबों से पैसे निकलवा के ले लिया गया है और इनका शौचालय एक भी नहीं बना इस ग्राम सभा में, और आवास में भी ऐसी ही धांधली हो रही है। आज एक गरीब को अगर आवास दे रहे हैं तो पहले उनसे तय कर रहे हैं कि अगर 40,000 दोगे तो हम आपको आवास देंगे, नहीं तो अन्यथा आपका आवास कैंसिल कराया जाए। जितने विधवा पेंशन दिए हैं लोगों को सबसे 1,000 रुपया लिया गया है 1 महीने का। जितने यहाँ पे विधवा पेंशन दिया जा रहा है सबसे 1,000 रुपया लिया जा रहा है पहले उगाही करने के लिए यहाँ पे लोगों को लगाया गया, और थाने में भी हमें धमकाया गया, उनके भाई धमकाए, और यहाँ पे एक भी कार्य हमारे ग्राम सभा घूम के देख सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, कोई भी कार्य नहीं हुआ है और टोटल पेमेंट कागज में करा लिया गया। अभी तो मैंने देखा है नाली का निर्माण चालू हुआ है, इसकी सच्चाई क्या है? इसमें सच्चाई ये है कि यहाँ पे 1,97,000 रुपये इस नाली का पास है, ये कम से कम 100 मीटर की भी नाली नहीं है, और इसमें जो पूर्व प्रधान के द्वारा कार्य कराया गया इस नाली का, उसी नाली पे ये सिर्फ कम से कम 1 से 1.5 हज़ार ईंट लगाए हैं और 1,97,000 ये पहले ही पास करा चुके हैं। अभी तो अकाउंट बंद है पूरे प्रधानों का, तो अकाउंट बंद है तो कैसे कार्य हो सकता है? पूर्व में उठाया गया पेमेंट का कार्य हो रहा है और इसे दिखाया जा रहा है कि हम कार्य करा रहे हैं ग्राम सभा में, और आज तक वो सोए थे प्रधान जी। जब हम एप्लीकेशन देना चालू किए तब इनको लगा कि नहीं यहाँ पे 1-2 कार्य कराना चाहिए। ऐसी कौन सी परिस्थिति रही कि 4 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद आप लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? सर हम सोचे कि अब कार्य करेंगे, अब कार्य करेंगे, हम बोलते बोलते थक गए, पूरे सांत्वना देते रहे, लोग जाते रहे, गरीब जनता परेशान रही कि हाँ कार्य कराइए कार्य कराइए, उसके बाद उनको वो सोते रहे, और उसके बाद जब हमने लास्ट में एप्लीकेशन देना चालू किया तो उनको लगा कि यहाँ कार्य कराना चाहिए। पर्चे बता दीजिए। प्रधान सिंह पंखी हमारा नाम है, हम ग्राम सभा से ही इस ग्राम सभा के निवासी हैं। और क्या मामला है यहाँ इतने लोग जुटे हुए हैं? क्या ये है कि 2017 से ही इस ग्राम सभा में जो काम हो रहा है उसको RTI से मांगा जा रहा है, मांगते मांगते लोग लखनऊ तक चले गए, वहाँ से आज तक मिला नहीं RTI रिपोर्ट। उसके बाद जो है वहाँ से आयोग ने DDO और सचिव पे 25,000 रुपये का जुर्माना कर लिया है, उसके बाद भी नहीं मिला। दूसरे जो नया सचिव आए हैं उनको पेश करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया है आयोग ने कि 15 दिन के अंदर जो है सारी सूचना जो है ग्राम सभा के लोगों को उपलब्ध कराएं। उसके बाद फिर भी नहीं हुआ तो फिर से हम लोग ब्लॉक पे वीडियो को, उसके बाद SDM को, उसके बाद DM को दरखास्त दिए। DM का जो हम लोग ने एप्लीकेशन दिया था उसमें से जो है बेअनहल्फी जो लगी थी उसको प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा चरित्र ढंग अपना कर उसको निकलवा दिया गया। हम लोगों ने फिर पुनः उस पर एप्लीकेशन दिया, DM साहब को संज्ञान में दिया,
कि ऐसी घटना हुई, आपके हम लोग ने आवेदन दिया था, उसमें से बयान हल्की निकाल ली गई है, कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने अवगत कराया है कि यहाँ पे दो क्या क्या यहाँ पर कार्य नहीं हुए, थोड़ा कुछ भी नहीं प्रकाश डालिएगा। यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपये की लूट हुई है, जिसमें एक ही रोड को 2 बार 3 बार बनाया गया है। कभी उसी रोड को दिखाया गया है कि PWD मेन रोड से और मुना पासवान के घर तक, फिर उसी रोड को दिखाया गया है PWD से उनके जो मुना पासवान के बाप का नाम है उनके घर तक, फिर उसी रोड को दिखा दिया गया है कि रोडें कई बार 2 बार 3 बार हर एक रोड पे डबल टेबल हुआ है। उसका सारा लिस्ट हमारे पास है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। मतलब आपके और उसके बाद देखिए दूर की बात नहीं, आप जहाँ पे डिबेट कर रहे हैं यहीं बगल में ये प्राइमरी स्कूल है, इस पे जो है प्राथमिक पाठशाला में शौचालय मरम्मत सुंदरीकरण का कार्य किया गया है 2 लाख रुपये का। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय पे फिर 2 लाख का सुंदरीकरण किया गया, यही बगल में स्कूल है 4 लाख का सुंदरीकरण इसी में किया गया है। ये आप अपने नज़र से देख सकते हैं और शासन प्रशासन को दिखा सकते हैं, यही बगल का स्कूल है। और अभी जो कार्य हो रहा है, नाली जो पहले से बनी हुई है उसी को मरम्मत किया जा रहा है, जो कि नाली नया एस्टिमेट पास है उसका 1,98,000 रुपया पास है और उसको सफ़ेद वाली बालू से केवल मरम्मत का कार्य हो रहा है। आप आए हैं तो कुछ देखे होंगे, रास्ते में ही पड़ी है, यही बगल में भी वो भी है। उसको हम चाहेंगे कि आप उसको प्रदर्शिता करें, दिखाएं कि लोग देखें, शासन प्रशासन देखे, और यहाँ थाना के लोग प्रधान से मिले हुए हैं, जो लोग यहाँ पर उनके खिलाफ करने का हिमायत करते हैं उनपे 107-16 चलाया जाता है। 18 लोगों पे अभी जो है इसी के खिलाफ में 107-16 चलाया गया है और कहा गया है कि यदि आप लोग नहीं मानेंगे तो इससे संगीन और धाराओं में आपके ऊपर लगाकर आपको जेल के अंदर सलाखों में बंद किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये ओम प्रकाश पाणे हैं, एक जो हमारे हल्का के दरोगा हैं, उनका PNO नंबर है 8720800700। हम चाहेंगे, हम कप्तान साहब से भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि उनको यहाँ से हटा दिया जाए, न तो वो जो है प्रधान से मिलकर यहाँ के लोगों पे कोई परेशानी खड़ा कर सकते हैं या भविष्य में कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे कि लोग दहशत में हो जाएंगे। उन लोगों का विचार है कि किसी तरह से इस चीज़ को दबा दिया जाए। अगर आपके साथ इतनी जाती हुई है, आपने उच्च अधिकारियों तक संज्ञान दिए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आगे की प्लानिंग आपकी क्या है? आगे की प्रक्रिया हमारी ये है कि यदि शासन प्रशासन, उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारी आवाज़ को नहीं सुनते हैं तो उनका हम चेंट बजाने का काम करेंगे और DM कार्यालय पे जाके वहाँ हम ग्राम सभा के लोग के साथ हम लोग आत्मदाह करने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश और देश को बताने का काम करेंगे। और ये लोग जो है 2017 से ही संघर्ष कर रहे हैं, आज तक सरकार की जूह तक नहीं रेंगी है और दरखास्त देते देते लखनऊ दौड़ते दौड़ते आयोग में 30 को तारीख था, गए थे हम लोग, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 25,000 का जुर्माना हुआ, 15 दिन का डेट फिर मिल गया। वो कह रहा है सिग्रेटरी कि आप लोग दौड़ते रह जाएंगे, 3 बार हम तारीख ले लेंगे तो ये सत्र खत्म हो जाएगा, 2020 में चुनाव होने लगेगा, सब लोग शांत पड़ जाएंगे। तो ये शासन प्रशासन की मिलीभगत है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों का जो ये जमीनी हकीकत है, जो जमीन मुद्दा है, जो गरीबों को लूटा जा रहा है यहाँ पे राशन से लेके और जो घर बनता है बैठने के लिए उसमें सिंहासन भी लगाया जाता है, तो राशन से लेके सिंहासन तक जनता को लूटा जा रहा है। लाइटिंग बनी है, आप चलिए देखिए अपने सामने, कोई लाइटिंग आज तक चालू नहीं है, पैसा निकलवा के ले लिया जा रहा है, 12,000 रुपये ले लिया जा रहा है। एक लाइटिंग में भी सीट नहीं लगा है, ना उसके ऊपर छत है, ना दरवाजा है, कई लाइटिंग की ऐसी अवस्था है कि इस तरह ढह गई है। आप मौके पर चल के चलिए, हम दिखा रहे हैं अभी, और ये बगल में देखिए स्कूल है, इसमें 4 लाख का सुंदरीकरण हुआ है। हम चाहेंगे कि इसका एक फोटो आप ले लीजिए, और वो नाली का काम हो रहा है सफ़ेद बालू से, अभी मौके पर आप आए हैं, वो तो देख के और
दिखाइए अधिकारियों को कि क्या चल रहा है। योगी जी और मोदी जी के सरकार में कह रहे हैं कि आईना दिखा देंगे, और उनके सरकार में 2017